हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का वीडियो का टॉपिक है मेरा ये खूबसूरत सा पारिजात का पौधा, जिसमें अभी फ्लावरिंग का सीज़न है और इसमें अभी फूल खिलते हैं और विंटर में लगभग सारे विंटर इसमें फूल इसी तरह से खिले हुए रहेंगे। तो देखिए अभी भी इसमें लटके हुए हैं फूल खिल के। अभी जैसे जैसे धूप पड़ने लगेगी तो इसके फूल जो थोड़े बहुत लगे हुए हैं वो झड़ के गिर जाएंगे। तो लगभग सारे फूल गिर चुके हैं, देखिए इस तरह से इसके सारे फूल नीचे गिर जाते हैं। और जो थोड़े बहुत लगे हुए हैं धूप, जैसे दिख रही है आपको कि धूप पड़ने लगी है, तो धूप पड़ने से इसके सारे फ्लावर्स झड़ जाते हैं। तो जब इसमें फूल खिलते हैं रात में तो इसमें बहुत अच्छी खुशबू आती है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग खुशबू रहती है, जो दूर तक आपको समझ में आती है कि आसपास कहीं पे ज़रूर पारिजात के पौधे लगे हुए हैं। तो इतनी स्ट्रॉन्ग खुशबू है इसकी, समझ में आने लगता है। और ये खुशबू रात में होती है और जब फ्लावरिंग स्टार्ट होती है तब इसकी खुशबू बहुत तेज़ होने लगती है। तो ये पौधा एक बहुत ही खुशबूदार फूलों वाला पौधा है। अगर आप लगाने का सोचे तो फूलों वाला पौधा भी लगाने का सोचे, और ऐसा पौधा जिसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग खुशबू आए, तो आप इस पौधे को अपने घर में, अपने टेरेस गार्डन में ज़रूर लगाएं। इसे अगर हम मिट्टी में लगाते हैं तो इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है, बहुत बड़ा एक पेड़ जैसा भी बन जाता है। लेकिन अगर आप चाहें तो इसे पॉट में भी लगा सकते हैं। पॉट में लगाने से इसकी प्रूनिंग हमेशा करती रहनी पड़ेगी, जिससे कि इसकी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं हो, एक लिमिटेड हाइट में रहे। और मैंने इसे एक बड़े पॉट में लगा रखा है और काफ़ी अच्छी देखिए इसकी हाइट हो गई है। तो जब इसका सीज़न ख़त्म हो जाता है तो मैं क्या करती हूँ इसके की हार्ड प्रूनिंग कर देती हूँ, जिससे कि हार्ड प्रूनिंग मतलब मैक्सिमम ब्रांचेस मैं इसके हटा देती हूँ, क्योंकि मेरा ये टेरेस गार्डन है और टेरेस में लगा हुआ ये प्लांट मैं इसे काफ़ी बड़ा नहीं कर सकती हूँ, तो छोटा रखने के लिए मैं इसे प्रून करती रहती हूँ। तो उसकी वजह से मेरा ये प्लांट मेरे टेरेस पे रह भी जाता है और इसमें फ्लावरिंग भी होती है। और अभी जैसे कि इसकी फ्लावरिंग की सीज़न है और फ्लावर खिलते रहते हैं इसके, तो रात में काफ़ी अच्छी खुशबू आती है इस फ्लावर से। और इस पारिजात का जो ये पौधा है इसको लेके एक पौराणिक कहानी भी है, और ये जो पौधा है इसकी मेडिसिनल वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है। किसी को अगर फीवर हो जाए और वो फीवर उतरे नहीं तो इसके पत्ते का काढ़ा बना के पानी में उबाल के अगर पिया जाए तो उसके बुखार उतर जाता है, उसका फीवर उतर जाता है। और किसी को अगर भूख की प्रॉब्लम होती है कि भूख नहीं लग रही है तो इसके पत्तों को उबाल के उसके काढ़ा पीने से उसकी भूख लगने लगती है। और भी काफ़ी सारा इसका मेडिसिनल वैल्यू है। अगर बॉडी में पेन हो रहा है तो भी इसका जो काढ़ा है वो बहुत काम आता है। तो ये जो पारिजात का पौधा है इसका तो मेडिसिनल वैल्यू बहुत ज़्यादा है, मतलब हम शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं कि लगभग बीमारी में इस पौधे का हर एक इस हिस्सा यूज़ किया जाता है ठीक करने के लिए। तो बहुत ही अच्छा पौधा है ये, अपने घर में ज़रूर लगाएं। छोटी मोटी जो बीमारियां होती है, जो तकलीफ़ें होती है हमारे बॉडी में, उसमें काफ़ी हद तक ये पौधा बहुत हेल्पफुल होता है। तो देखिए कुछ इस तरह के इसके फूल होते हैं, जिसमें ऊपर ना पांच पंखुड़ियाँ और पाँच छः पंखुड़ियाँ होती है और नीचे ये ऑरेंज कलर के स्टेम होते हैं और काफ़ी सुंदर भी होते हैं। तो मेरे इस पौधे में उतनी क्वांटिटी में फूल नहीं खिलते हैं क्योंकि ये मेरे पॉट में लगे हुए हैं। तो अगर इसे आप ज़मीन में लगाएंगे तो इसमें बहुत ही हैवी क्वांटिटी में फ्लावरिंग होती है और बहुत ज़्यादा होती है, एकदम से जैसे लगेगा कि सुबह आप उठेंगे तो जैसे नीचे ये सारे फूल झड़ के इस तरह से नीचे एक बेड जैसा बना देता है, इतने सारे फूल खिल हैं इसमें। तो काफ़ी खूबसूरत फूल है। तो अब बात करते हैं इसे हम कैसे लगाएं। तो इसे हम
अच्छी मिट्टी दें, क्योंकि ये प्लांट हैवी फ्लावरिंग वाला प्लांट है, यानी इसे अच्छे से खुराक चाहिए। इसलिए इस प्लांट को हम रिच सॉयल तैयार करके लगाएं। तो मैं तो जैसे मिट्टी तैयार करती हूँ वैसे ही मैंने इसमें मिट्टी तैयार किया, एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा सैंड और एक हिस्सा कॉम्पोस्ट। लेकिन जब इसमें फ्लावरिंग सीज़न स्टार्ट होता है, यानी रेनी सीज़न के बाद इसमें फ्लावरिंग सीज़न स्टार्ट होता है, इसमें फूल खिलने लगते हैं, तो जब इसमें फूल खिलने लगे तो आप इसमें वीकली फर्टिलाइज़र दें। वीक में हर वीकली फर्टिलाइज़र दें, किसी भी तरह का फर्टिलाइज़र दीजिए। आप ड्राई फर्टिलाइज़र देंगे या लिक्विड फर्टिलाइज़र देंगे, आप इसे हर वीकली फर्टिलाइज़र दीजिए, तभी इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। और इसे फुल सनलाइट में रखिए, फुल सनलाइट में रहने से इसमें बहुत अच्छे फूल खिलते हैं। और वैसे भी फ्लावरिंग प्लांट को फुल सनलाइट चाहिए होता है। अगर आप अपार्टमेंट या फ्लैट में रहते हैं तो ऐसी जगह रखिए जहां इसमें दिन 4-5 घंटे की धूप तो ज़रूर ही पड़े, और ब्राइट लाइट दिन भर इस पे आती रहे। ऐसी जगह रखिए तो इसमें फूल खिलते रहते हैं और बहुत अच्छी इसकी ग्रोथ होती है, बहुत अच्छी इसकी फ्लावरिंग भी होती है। इसमें किसी भी तरह का पेस्ट अटैक नहीं होता है। मैं इसे 3 साल से लगा रखी हूँ और मैंने अभी तक इस प्लांट में किसी भी तरह का पेस्ट अटैक नहीं देखा है। तो मेरा अनुभव यही है कि इस प्लांट में किसी भी तरह का पेस्ट अटैक नहीं होता है। तो बहुत ही ईजी ग्रोइंग प्लांट, खुशबूदार फूलों वाला पौधा है ये, बहुत आसानी से ग्रो होने वाला पौधा है। तो आप ज़रूर अपने घर में इसे लगाएं। छोटे पॉट में लगाएंगे तो इस पौधे की हमेशा प्रूनिंग करते रहें, जिससे कि ये पौधा आपका बहुत अच्छे से ग्रो करे। और प्रूनिंग हमें इसीलिए भी करना है क्योंकि अगर हम इसे प्रूनिंग ना करें तो इसका एक सिंगल स्टेम निकल के बड़ा लंबा हो जाता है और वो थोड़ा लैगी सा हो जाता है। तो आप देखिए आप मेरा जो ये प्लांट है काफ़ी मोटा ट्रंक हो गया है, क्योंकि मैं इसे प्रून करती रहती हूँ, मैं इसे बड़ा नहीं कर सकती हूँ, लैगी सा नहीं बनाती हूँ मैं इसे, तो हमेशा इसकी प्रून करती रहती हूँ। नहीं तो इसके जो ब्रांचेस हैं इधर उधर बहुत तेज़ी से फैल जाते हैं और बहुत ही अगली रूप देता है। तो पौधे को सुंदर लुक देने के लिए इसकी प्रूनिंग कर दें तो उससे भी इसकी लुक बहुत अच्छी हो जाती है, ढेर सारे ब्रांचेस हो जाते हैं और छोटे से पौधे में ही ढेर सारे ब्रांचेस होने लगते हैं। तो अगर हम पॉट में कर लगा रखे हैं तो इस प्लांट को हमेशा प्रूनिंग करते रहें, जिससे कि ये प्लांट बहुत ही खूबसूरती से ग्रो करे। तो बहुत ही इजी ग्रोइंग प्लांट है, आप ज़रूर अपने घर में लगाएं इस प्लांट को। आपके घर में कच्ची मिट्टी है, कच्ची जगह है, तो बिल्कुल आप इस प्लांट को लगाएं। बहुत इजी ग्रोइंग प्लांट है, इसके पानी का बस ख्याल रखना पड़ता है कि इसकी मिट्टी हमेशा हमें मॉइस्ट रखनी है और एकदम ड्राई नहीं होने देना है। एकदम ड्राई होने से ये पत्ते इसके बर्न हो जाते हैं, झड़ जाते हैं, फूल खिलते नहीं हैं और छोटे छोटे फूल होने लगते हैं। तो कुछ इस तरह इस प्लांट को आप ग्रो कर सकते हैं, काफ़ी इजी ग्रोइंग प्लांट है, आप भी ज़रूर अपने घर में लगाएं। तो आज का मेरा वीडियो इसी पारिजात के पौधे, इसी हरसिंगार का पौधा, इसी फूल के बारे में था, इसी पौधे के बारे में था। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा, और पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल में पहली बार हैं और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी करें और बेल बटन भी ज़रूर दबाएँ, जिससे कि आगे मैं जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँचे। तो मिलते हैं अब अगले किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। ओके देन, बाय।